हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग रूटीन। फ्रिज कितना इम्पोर्टेंट अप्लायंस है हमारे घर में, ये तो हम सभी को ही पता है। फ्रिज के अंदर हम अपने बहुत से फूड आइटम स्टोर करके रखते हैं, जिसके वजह से फ्रिज को टाइम टू टाइम डीप क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। फ्रिज को क्लीन करने से पहले यहाँ पर मैं फ्रिज को अनप्लग कर लूँगी और मैं अपना फ्रिज का डीप क्लीनिंग मंथ में एक बार ज़रूर करती हूँ। और जब भी मैं फ्रिज का डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं फ्रिज को अंदर और बाहर से बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। अभी मैं फ्रिज का बैक पोर्शन को क्लीन कर रही हूँ एक ड्राई कपड़े से। इसके ऊपर जितने भी धूल मिट्टी है मैं इसको ये ड्राई कपड़े से बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फ्रिज का बैक पोर्शन मेरा क्लीन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे फ्रिज का टॉप पोर्शन को क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट जमा हुआ है। यहाँ पे पहले ही मैंने फ्रिज को खाली कर दिया है और अभी फ्रिज के अंदर का सारा शेल्फ और ड्रॉअर को मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं ना फ्रिज लाइनर यूज़ करती हूँ फ्रिज के अंदर। इससे क्या होता है, फ्रिज बहुत ही कम गंदा होता है। अगर कभी फ्रिज आप पर गंदा भी हो भी जाता है तो बस इसके ऊपर से एक गीला कपड़ा से आप इसको पोंछ दीजिए या फिर आप लाइनर को निकाल के डायरेक्ट वॉश भी कर सकते हो। और अभी सबसे पहले मैं फ्रिज का शेल्फ और ड्रॉवर को क्लीन करूँगी। और उसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली डिशवॉश लिक्विड ली है और एक स्क्रबर लिया है और इसी से मैं सबको साफ़ कर लूँगी। और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। यहाँ पे मेरा सारा फ्रिज का शेल्फ और ड्रॉवर को क्लीन हो चुका है और अब मैं इन सब को यहाँ पे ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। अभी फ्रिज के अंदर को साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली प्लेन वाटर ले रही हूँ और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्पून विनेगर और डिश वॉश लिक्विड और एक नॉन स्क्रचेबल स्क्रबर से मैं फ्रिज के अंदर को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और विनेगर यूज़ करने की वजह से फ्रिज के अंदर जो स्मेल होता है ना, वो भी नहीं रहता है। और फ्रिज के अंदर जो वेंटिलेटर और फ्रिज का लाइट है उसको मैं स्क्रब से नहीं स्क्रब करूँगी, उसको सिंपली एक कपड़े से मैं उसको बाद में पोंछ लूँगी। यहाँ पे देखिए गास्केट के अंदर भी बहुत से गंदगी जमा हो गया है, इसको भी मैं स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और अभी लास्ट में मैं फ्रिज को प्लेन वाटर से और एक माइक्रोफाइबर कपड़े से इसको गीला करके फ्रिज के अंदर को अच्छे से पोंछ लूँगी। फ्रिज के बाहर को भी इसी गीले कपड़े से अच्छे से एक बार पोंछ लूँगी। फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे शेल्फ और ड्रॉवर भी ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इन सब को फ्रिज के अंदर फिक्स कर दूँगी। शेल्फ लाइनर को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रिज का क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है, अब फ्रिज को ऑन कर लेती हूँ।
और आज का मेरा वीडियो बस यही तक था। आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।